अगर ऊपर वाले लगाएंगे तो ऊपर वालों की आवाज ज्यादा होगी, जबकि संख्या में आप ज्यादा हो। भारत माता की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कुशाभाऊ ठाकरे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजमाता जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी चंबल संभाग के इस कार्यालय भवन के भूमि पूजन के अवसर पर हम सब के मध्य पधारे हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री हितानंद जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री रणवीर रावत जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, ग्वालियर नगर के अध्यक्ष श्रीमान अभय चौधरी जी, भिंड जिला के अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, जिले के प्रभारी आदरणीय जयसिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय एदल सिंह जी, आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, आदरणीय रघुराज सनसाना जी, आदरणीय मुंशीलाल जी, आदरणीय कमलेश जी, आदरणीय आरती जी, आदरणीय रुस्तम सिंह जी, आदरणीय संजय महेश्वरी जी, जबाद प्रजापति जी, दीपक भदौरिया जी, आदरणीय मरैया जी, कमलेश सुमन जी, परसराम मुद्गल जी, अनूप भदौरिया जी, अशोक अर्गल जी, बारेलाल यादव जी, हमारे केदार सिंह यादव साहब, राम कुमार माहेश्वरी जी, हबीर सिंह पटेल साहब, राम नरेश शर्मा जी और हमारे मनोज पाल यादव जी, और इस मौके पर उपस्थित हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष गीता हरसाना जी, जिनेश जैन जी, पूर्व सभापति अनिल गोयल जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय राम कुमार मिश्रा जी, राधेश्याम गुप्ता जी, लक्ष्मण हरसाना जी, मोहन शर्मा जी, बज्जर सिंह जी, और इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, बहुत लंबे कालखंड तक इंतजार करने के बाद आज यह नए वर्ष और अमृत काल के अवसर पर यह घड़ी आई है जब हम इस क्षेत्र में अपने कार्यालय भवन का भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। कार्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से इस पावन अवसर पर हम सब का उत्साह वर्धन करने के लिए इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी आज समय निकालकर हम सबके मध्य पधारे हैं।
मैं मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब दल का आधार कार्यकर्ता हो और दल का कार्यकर्ता विचार से जुड़ा हुआ हो तो दल के विचार के विस्तार के लिए, दल की गतिविधियों के संचालन के लिए, दल के माध्यम से आम जन की परेशानी और पीड़ा को समाधान देने के लिए निश्चित रूप से एक घर की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति हो, उस गाड़ी ले गया, पता नहीं बहुत देर से नहीं आया, गरीब हो या अमीर हो, हर एक व्यक्ति के मन में यह रहता है कि उसका अपना घर बन जाए जिसमें वो अपने परिवार की गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालित कर सके। और जब घर बनता है, गृह प्रवेश होता है, तो निश्चित रूप से उसके मन को जो आनंद की अनुभूति होती है, शायद उसको शब्दों में बयान करना किसी के लिए भी कठिन होता है। जिस प्रकार से हमारे अपने घर की कल्पना हम लोगों के मन में है, ठीक वैसे ही जब हम दल के कार्यकर्ता हैं, एक विचार के पथिक हैं, तो मेरे विचार का भी एक घर होना चाहिए। यह आवश्यकता हमेशा हम लोगों के मन में बनी रहती थी। मुझे ध्यान है, मैं मुरैना जिले में लोकसभा चुनाव के प्रभारी के रूप में एक समय काम कर रहा था, तो एक दो चुनावों में 1.5-1.5 लाख रुपए की बचत हुई और वो बचत करके ऐसे 3 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास रहे। और उस जमाने से हम लोग सोचते थे कि 3 लाख रुपए से कोई प्लाट खरीद लें जिस पर अपना पार्टी का घर बन जाए, लेकिन वो समय नहीं आ पाया। काफी समय तक कोशिश होती रही, एक प्लाट खरीदा, फिर वो 4-4.5 लाख में बिक जाएगा तो दूसरी जगह देख लो, बड़ी मिल जाएगी, लेकिन बहरहाल हम लोगों को सफलता नहीं मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प मजबूत था और आप सबके साथ मुझे भी लगता था कि जब मैं पहले सांसद था तो श्योपुर जिले का कार्यालय तैयार हुआ, उस समय भी कोशिश की थी कि मुरैना का बन जाए, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जिस जमीन को लिया उस जमीन में हमारे ही कुछ लोगों ने अड़ंगा मारा अपने निजी स्वार्थों के कारण और उसमें भी हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार मैंने भी आप सब लोगों के साथ तय किया था कि कैसे भी कार्यालय की शुरुआत इस कार्यकाल में मुझे करना चाहिए और मेरे सांसद रहते रहते मुरैना में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन जाए, जिससे मेरे मन में यह संतोष रह सके कि मेरा भी पार्टी का घर बनाने में योगदान हुआ है। और इसलिए कई बार कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो कई लोग कह रहे थे कि भाई साहब, मैं बहुत लोगों के साथ इस मुरैना में जमीन 2-2.5 साल से ढूंढ रहा हूं,
मैं कभी आता हूँ तो रात में 10 बजे 11 बजे भीड़ कम हो जाती है, तो कुछ लोगों को लेके आप कहाँ मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, ये वाली देख लो, ये वाली देख लो। तो बहुत लोगों को मालूम है कि मैं कार्यालय के लिए जमीन ढूंढ रहा हूं। लेकिन आज सवेरे हम लोग जब बात कर रहे थे रेस्ट हाउस पे, तो सबने कहा कि भाई साहब देर तो लगी लेकिन जितनी अच्छी मिल सकती थी उतनी अच्छी से अच्छी जमीन कार्यालय के लिए हम लोगों को मिल गई। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इस जगह के बदले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार को 1,10,00,000 रुपए दिए हैं और 22,00,000 रुपए लगभग इसका रजिस्ट्री खर्चा लगा है। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि हम केंद्र की सत्ता में या राज्य की सत्ता में हैं, फिर भी हम सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते। 1,10,00,000 रुपया सरकार को देकर भारतीय जनता पार्टी ने जमीन खरीदने का काम किया है। यह ध्यान देने की बात इसलिए है कि जब हम पार्टी के कार्यालय के लिए जमीन को खरीद कर एक आदर्श उपस्थित करते हैं तो इसके मायने होते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पथ्य और परहेज रख कर आदर्श उपस्थित करने का प्रयास करें। पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे कि जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन सुचितापूर्ण नहीं है उस व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन सुचितापूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए सार्वजनिक जीवन में काम करते करते कार्यकर्ता को अपने जीवन को भी निरंतर मांझते रहना चाहिए। अगर हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा होगा तब भी सार्वजनिक जीवन अच्छा होगा, और जब सार्वजनिक जीवन अच्छा होगा तो हम पार्टी का भी कार्यालय खड़ा करेंगे और जनता के दुख दर्द को भी समाधान तक पहुंचाने का एक सफलतम प्रयत्न करने में सफल होंगे। इसलिए आज मेरे लिए तो निश्चित रूप से प्रसन्नता का पारावार नहीं है कि जब इस क्षण में प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हम कार्यालय का भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारी पार्टी की जो यात्रा है वो एक विशेष प्रयोजन से आरंभ हुई है। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का गठन किया था। वो कालखंड ऐसा कालखंड था कि जब जनसंघ के पास 10-20 लोग होना यह मुश्किल की बात होती थी। जितने लोग इस कार्यक्रम में बैठे हैं शायद उस जमाने में इतने लोग जनसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी नहीं रहे होंगे। लेकिन आप सोचो कि जीरो पर खड़े होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ को खड़ा किया और इस मनोयोग के साथ खड़ा किया कि आने वाले कल में जब नेहरू का चिंतन इस देश को समाधान नहीं दे पाएगा तो मेरी विचार यात्रा सरकार के माध्यम से लोकतंत्र में हिंदुस्तान की समस्याओं को भी समाधान देगी और पूरी दुनिया में अगर शांति का दिग्दर्शन कराना है तो भारतीय जनता पार्टी का ही चिंतन दुनिया को समाधान देने के लिए काम आएगा। यह विचार 1951 में उनके मन में था और उन्होंने यात्रा को प्रारंभ किया। कितनी कठिनाइयां आई होंगी, आज थोड़ी सी रिपोर्ट लिख जाती है, थानेदार गाड़ी रोक लेता है तो हमें लगता है सरकार का क्या फायदा। ये इसलिए लगता है कि हमको अभी ये मालूम ही नहीं है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में क्यों।
हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं? क्या इन समस्याओं को समाधान देने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संकल्प था? यह हमें विचार करना पड़े। और आप देखिए, उन लोगों ने उस 1951 में विचार किया और तब से लेकर आज तक अनेक पीढ़ियां खप गई, अनेक जवानियां बर्बाद हो गई, अनेक लोगों ने जेल में अपने प्राण गवा दिए, अनेक लोग आज भी केरला, पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में जब भारतीय जनता पार्टी का ध्वज थामते हैं तो अपनी जान को हथेली पर रखकर थामते हैं। ऐसी परिस्थितियों के दौर से आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के अनेक भागों में गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में बड़े संघर्ष के बाद आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस कालखंड में भारतीय जनसंघ ने अगर यह डिमांड की थी कि भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए, तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके इस देश का माथा ऊंचा करने का काम किया। और आज दुनिया में भारत की जो साख बढ़ रही है उसके आधार पर मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि अब वो काल आ गया है जब भारत देश की समस्याओं को भी समाधान देगा और पूरी दुनिया को भी समाधान देने में भारतवर्ष ही समर्थ होएगा। आज यशस्वी नेतृत्व तो हमारे पास है, बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, संकल्प हमारे पास है और आज भारत मांगने वाला देश नहीं है। आज आधी दुनिया भारत का सहारा प्राप्त करने के लिए लालायित थे। हम उस मोड़ पर खड़े हुए जब पूरी दुनिया हमारी तरफ आशा भरी नजरों से निहार रही है, तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भी धर्म है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विचार को जाने, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति को जाने, भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों के लिए बनी है उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुटे। कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव माननीय राजनाथ सिंह जी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा, तो राजनाथ जी ने कहा कि अगला लोकसभा का चुनाव नड्डा जी के अध्यक्ष काल में होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जितना बहुमत आया है लोकसभा में उससे कई गुना ज्यादा बहुमत प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उस पर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी की जो अपेक्षा है वो बहुमत मैं अकेला नहीं लाऊंगा, आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं, भारत का शीर्ष नेतृत्व तो बैठा हुआ है, यह नेतृत्व तो जब एक एक कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाएगा, कदम से कदम मिलाएगा, तो निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेगी। उसके पूर्व विधानसभा का चुनाव होगा,
मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भी हम सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करना है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और रिकॉर्ड जीत हासिल करेंगे, यह मैं विश्वास के साथ इस अवसर पर कह सकता हूं। इसलिए हम सब कार्यकर्ता मित्रों की मानसिक तैयारी इस बात की होनी चाहिए। हमारा कार्यालय बन रहा है, इस कार्यालय के जब मानचित्र बन रहा था तो मैं कई लोगों को तलाश रहा था, उस समय मुझको हमारे गुना के कार्यकर्ता ओएन शर्मा जी मिले, ये बड़े बड़े पुल पुलियों के नक्शे बनाते हैं, मैंने इनको कहा कि यार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का नक्शा मेरा बनवा दो, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ओएन शर्मा जी ने अपनी टीम को लगा के नक्शा बनाने का काम किया। बज्जर सिंह जी हमारे पीडब्ल्यूडी में ई रहे हैं और बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, ये रिटायर हो गए, अब इनकी बेटी मुरैना जिला पंचायत की अध्यक्ष है आरती। तो मैंने बज्जर सिंह जी को भी कहा है कि भाई आप टेक्नोक्रेट हो, इंजीनियर हो, वर्षों तक आपने भवन बनाने का काम किया इस मध्य प्रदेश में, तो हमारे कार्यालय के भवन बनाने में भी आपका योगदान हो। उन्होंने शहर स्वीकृति दिए, मैं उनको भी धन्यवाद हृदय से देना चाहता हूं। और मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि आज ही हम सारी औपचारिकताओं को शाम तक पूरा करें, मैं आज यहां हूं, रात को सबलगढ़ रुकूंगा, कुछ बचेगा तो कल लौटते समय भी बात कर सकता हूं। आज हम जनवरी में बैठे और हमारी कोशिश होनी चाहिए जनवरी 24 में भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में हम लोगों का प्रवेश हो जावे, 365 दिन के भीतर ये भवन बने, ये हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए। मुंडियां तो काफी हिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन खाली मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सबको इशारा कर ही दिया है, मैं आज कोई बात आप सब लोगों से नहीं करना चाहता हूं, कि थोड़ा उसके लिए मशक्कत करना ही पड़ेगी, नहीं तो बिना बात करे लोग आसानी से बोल के निकल जाएंगे। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं, चाहे वो मंच पर हैं चाहे नीचे बैठे हैं, हम सब बराबर के। भारतीय जनता पार्टी में अटल जी कहा करते थे कि एक ही पद है जिस पद से दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमको हटा नहीं सकता, बाकी जो मंत्री है वो कल नहीं रहेगा, जो अध्यक्ष है वो कल नहीं रहेगा, जो विधायक है सांसद है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर हमने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के विचार के अनुरूप योग्य कार्यकर्ता के रूप में निर्माण कर लिया तो कार्यकर्ता के पद से कोई माई का लाल हमको कभी हटा नहीं सकता। तो हम सब कार्यकर्ता हैं, ये तो एक व्यवस्था है कि कोई ऊपर बैठ गया कोई नीचे बैठ गया। वैसे मैं अध्यक्ष जी को कहा करता हूं कि समय समय पर थोड़ी सबको ही नीचे बैठने की आदत पड़ी रहना चाहिए, इसलिए कभी नौबत आए तो अखरे नहीं। हमेशा मैं इनको ये भी कहा करता हूं कि पार्टी के कार्यक्रम में ये स्वागत की औपचारिकताओं को कम करूं, आम सभा है, पब्लिक मीटिंग है, चुनाव है, तो ठीक है भाई, नेता का भाषण कराना है तो दुकान जमाना पड़ेगी तो उस समय तो ठीक है, जब हम और आप एक ही परिवार के लोग हैं तो आपस में ही माला पहन के एक दूसरे को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं इस मौके पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह कार्यालय हम सबका है, हम सबके लिए है,
और इस कार्यालय के माध्यम से हम इस पूरे परिक्षेत्र की पीड़ा के निराकरण के केंद्र के रूप में इसको विकसित करें, ये हम सब लोगों की कल्पना है। इसलिए हर व्यक्ति का बढ़ चढ़ के इसमें योगदान हो, जिससे हर व्यक्ति ये कह सके कि इस कार्यालय को बनाने में हमारा भी योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सरदार पटेल साहब की प्रतिमा को बनाया, स्टेज ऑफ यूनिटी। मोदी जी चाहते तो वो मुख्यमंत्री थे, वो सरकार के पैसे से भी उसे बना सकते थे, लेकिन यहां बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्हें ध्यान में होगा सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए हर गांव से पुराना रद्दी लोहा इकट्ठा करने का काम मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने किया था। आज जब हम लोग भी उस स्थान पर जाते हैं तो फोटो खिंचवाते समय ये गर्व से कहते आता है कि मैंने भी अपने क्षेत्र से इतना कुंटल लोहा इकट्ठा करके सरदार पटेल की इस प्रतिमा के लिए दिया। तो उस प्रतिमा में अपनी भागीदारी हमें दिखाई देती, इसलिए ये कार्यालय मेरा है, अपना है, हम सबका है, जनता के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए है। इसमें हम सब का योगदान सकारात्मक रूप से हो, यही इस मौके पर आप सब से प्रार्थना करना चाहता हूं। यहां पर अटल जी की एक प्रतिमा आप सब लोगों के सामने है, आप लोगों ने इसे देखा भी होगा। यह प्रतिमा 20 फुट की मुरैना में लगने वाली है। आज सवेरे यह मॉडल आया था तो मैंने राम कुमार महेश्वरी जी मेरे पास खड़े थे उस समय, तो मैंने उनको कहा कि इसको ले चलो, आज सब कार्यकर्ता आने वाले हैं, सब लोग अगर ओके करते हैं तो इसी मूर्ति को लगाया जाए। आप सब लोगों ने देखा इसको, इसी को लगाना चाहिए। सब लोग हाथ नहीं उठा रहे यार, कंजूसी क्यों कर रहे हो? हाँ करो या ना करो, ना करोगे तो बदलेंगे, उसमें क्या है? नहीं, हाँ। तो यही लगाना चाहिए। हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।